ये भी कहा जा रहा है कि एक वायरल वीडियो ने भी मेवात इलाके का माहौल खराब किया। वो हरियाणा में कांग्रेस के विधायक मामन खान का पुराना वीडियो है, जिसमें वो मोनू मानेसर को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन गएगा। वीडियो 6 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर वायरल हुआ जब मोनू मानेसर का सोशल मीडिया वाला 30 जुलाई का वीडियो शेयर हो रहा था। इसका नतीजा क्या हुआ, ये सोमवार 31 जुलाई को मेवात के नूह में दिख गया, जब हिंदू संगठनों की एक धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा की तपिश ने पूरे शहर को झुलसा दिया। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की जान चली गई है, इनमें 2 पुलिसकर्मी और 3 अन्य लोग शामिल हैं। नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बहुत डर का माहौल था, करीब 3:30 बजे की ये घटना थी। भारी तादाद में जब भीड़ आती देखी, हम लोगों ने अपनी दुकानों को अंदर से लॉक करके अपने आप को सेफ करा। नूह के हिंसा ने कई सवाल उठा दिए, सड़कों पर अराजकता होती रही, दंगाइयों ने पूरे तंत्र को बंधक बना दिया। जाहिर है हरियाणा की खट्टर सरकार पर सवाल उठने ही थे। मेवात से लेके मणिपुर तक जहां भी बीजेपी का राज है, वहां हिंसा है, नफरत है, दंगे हैं, फसाद है। मैं तो कहूंगी ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के माध्यम से अपनी राजनीति बढ़ाती है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको और अगर तरीके से दुरुस्त किया जाता तो मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं से जो है इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसे अपनी सरकार की नाकामी मानने को तैयार नहीं। सीएम ने नूह की हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा किया है। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। सीएम के बयान से ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर नूह की हिंसा सुनियोजित थी तो क्या ये खट्टर सरकार की नाकामी नहीं है? अगर ये हिंसा साजिश थी तो हरियाणा के खुफिया विभाग को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी? सरकार और सत्ताधारी दल दोनों ऐसे चुभते सवालों को बयानों में कैसे लपेट रहे हैं, इसकी बानगी के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का ये बयान सुनिए। नूह और मेवात का जो इलाका है, यदि मैं ऐसे ये कहूँ कि मिनी पाकिस्तान बन गया है और देशद्रोही लोगों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुना आपने, जिस पार्टी की हरियाणा में 9 साल से सरकार है, उसके नेता, उसके सांसद कह रहे हैं कि मेवात इलाका मिनी पाकिस्तान बन गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये किसकी नाकामी है? जाहिर है खट्टर सरकार को भी इसका जवाब देना होगा। अब मामला खराब हो जाएगा भाई। आज एक एक साजिश से पर्दा उठेगा। हिंसा का एक एक वीडियो गवाही देगा। मेवात को चलाने वाली टूल किट एक एक परत खुलने जा रही है। मुंह को आग में झोंकने वाला एक एक किरदार आज बेनकाब होगा, क्योंकि एबीपी न्यूज पर खुलने जा रही है हरियाणा हिंसा की मेवात फाइल्स। ये चलती हुई गाड़ी, ये उत्पात मचाती अराजक भी, कोई पत्थर चलाता दिख रहा है तो कोई तोड़फोड़ करता दिख रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है। दंगाइयों के अराजक दस्ते शहर के चप्पे चप्पे पर हिंसा के निशान छोड़ते हुए गुजरे।
नौबत ये आई कि दंगाइयों के सामने पुलिस कम पड़ गई। पुलिस के अपने ठिकाने तक इस उपद्रव से महफूज नहीं रहे। नूह के साइबर क्राइम थाने पर भी भीड़ ने थावा बोल दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि हरियाणा के मेवात इलाके के नूह में हिंसा का कैसा नंगा नाच हुआ। सवाल ये है कि नूह में हिंसा किसके इशारे पर हुई? नूह के हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? क्या नूह की हिंसा के कई सूत्रधार हैं? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा ये भी समझिए। एक मामले में राजस्थान पुलिस के मोस्ट वांटेड मोनू मानेसर का हिंसा से एक दिन पहले आया वीडियो सवालों में। तब मोनू मानेसर ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा 31 जुलाई को निकाले जाने वाली ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने की अपील की और यात्रा में खुद भी शामिल होने की बात कही थी। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी यात्रा में शामिल रहेगी। सोशल मीडिया पर अपलोड हुए मोनू मानेसर के इस वीडियो के हरियाणा के हिंसा से तार जोड़े जा रहे हैं। मोनू मानेसर भी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने वीडियो छोड़ छोड़ के यहाँ के लोगों को मतलब जो है उकसाने का, उनको जो है चैलेंज देने का काम किया। मोनू मानेसर की वीडियो वायरल है, सबको पता है, उसका काउंटर भी हुआ था। आज की तारीख में कल परिस्थिति क्यों बिगड़ी, क्या हालात थे और किस वजह से यह परिस्थिति आई, वो एक विश्लेषण का विषय है। अब सवाल ये उठता है, मोनू मानेसर का ये वीडियो जांच के दायरे में क्यों आया? नूह की हिंसा से इसका कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इसे ऐसे समझिए, इसी साल फरवरी में हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया था। जुनैद और नासिर नाम के उन युवकों की हत्या के मामले में मोनू मानेसर को भी आरोपी बनाया गया। करीब 5 महीने पहले से राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को तलाश रही है।